देवांग, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये जो आंकड़ा साफ आ रहा है, दिखाई दे रहा है, जो वोटिंग परसेंटेज, उसमें कांग्रेस और अकाली दल के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं दिखाई दे रहा, हालांकि 6% वोट परसेंटेज बहुत होता है जब सीटों में बदलाव होता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देवांग, आपका शायद माइक ऑफ है और मैं चाहती हूँ कि आप अपना माइक ऑन कर लें, या उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम आ रहा है हमें। और चलिए पहले दिबांग का मैं रुख करूंगी, उससे पहले रोमाना का एक बार रुख कर लेते हैं कि भाई ये वोटिंग परसेंटेज आम आदमी पार्टी को जो 39% दिखाई दे रहा है, क्या पूर्ण बहुमत आम आदमी पार्टी को मिलता है वो पंजाब में दिख रहा है? रोमाना, आंकड़े दिखाइए फटाफट। फिर से हम हेलीकॉप्टर में सवार हैं और वोट प्रतिशत आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस के मुकाबले आम आदमी पार्टी जो है 12% आगे है वोट शेयर के मामले में कांग्रेस के मुकाबले। कांग्रेस 27% और आम आदमी पार्टी सबसे आगे 39% वोट शेयर के साथ। तो एक एक करके ये तमाम शहर पंजाब के, और ऐसे में 117 विधानसभा सीटों का पूरा एग्जिट पोल का आंकड़ा क्या कह रहा है, वो बड़ा नंबर 117 विधानसभा सीटें, जिसमें 77 सीटों की अगर मैं बात करूं तो वो ऐसी सीटें हैं जो कस्बाई और ग्रामीण इलाकों में पड़ती हैं। और ये बताना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इस बार किसान आंदोलन जो है पंजाब में वो बड़ा मुद्दा रहा है, और ऐसे में वो बड़ा आंकड़ा, बिग पिक्चर, एग्जिट पोल का वो सबसे बड़ा आंकड़ा अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिरकार मतदाता के मन में क्या है। ये लीजिए, ये सरसों के खेत और यहीं पर लहलहाती ये सीट के नंबर। आम आदमी पार्टी सबसे आगे, 51 से 61 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी 22 से 28 और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन भी 20 से 26, मतलब कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन बिल्कुल बराबरी पर रह सकता है सीटों के लिहाज से। बीजेपी गठबंधन के खाते में 7 से 13 सीटें जा सकती है, अन्य के खाते में 1 से 5 सीट। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा 51 से 61 सीटें जा सकती हैं। देखिए 59 जो है वो जादुई आंकड़ा होता है 117 का, लेकिन अगर इसका एवरेज निकालेंगे आप तो वो नहीं हासिल कर पा रही है आम आदमी पार्टी। तो ऐसे में बड़ी बात ये कि पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है वो बहुमत के आंकड़े के करीब जरूर है, एग्जिट पोल ये बता रहा है। आम आदमी पार्टी को 51 से 61 सीटें मिलने का अनुमान ये एग्जिट पोल का आंकड़ा बता रहा है, और कांग्रेस 22 से 28 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी 77 सीटों के साथ जबरदस्त तरीके से सत्ता में आई थी, लेकिन इस बार हाथ कमजोर हो रहा है और पंजाब की 117 सीटों पर झाड़ू का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। शोभना, बिल्कुल, और मैं जिस आंकड़े को जिस तरीके से समझ पा रही हूँ, अपने एक्सपर्ट्स के पास भी चलेंगे। रोमाना, जो वोट परसेंटेज 39% का दिखाई दे रहा था, उस हिसाब से सीटें आती भी नहीं दिखाई दे रही है। ABP News आपको रखे आगे।